कर्मों की गुह्य गति किसे कहते हैं बाबा? क्या है वो जो कर्मों की गुह्य गति जो बाबा कहते हैं तुम जानने वाले हो कर्मों की गुह्य गति और दुनिया नहीं जानती? तो क्या कर्मों की गुह्य गति हम जानते हैं? तो मैं सोच रही थी कि एक एक कर्म किस प्रकार सृष्टि बनाता है, अपनी पर्सनल भी जीवन की सृष्टि और दुनिया में भी जो सृष्टि है उन दोनों का निर्माण किस प्रकार एक एक छोटे छोटे कर्मों से होता है, ये एक हम बच्चे ही जानते हैं। मुझे याद है जब हम नए नए कोर्स किया और आप लोगों को भी जब कराया तो एक थॉट से कैसे डेस्टिनी बनती है ना, एक एक थॉट कैसे फीलिंग बनती है, एटीट्यूड बनता है, फिर वो कर्म में आता है, फिर हैबिट बनती है, फिर पर्सनालिटी बनती है, फिर रिलेशनशिप्स का आधार बन जाता है और डेस्टिनी बनती है। तो जब मैंने पहली बार वो सारा सीक्वेंस सुना था तो बड़ी टेंशन सी हो गई थी कि एक एक थॉट ऐसे डेस्टिनी बना रहा है, पता नहीं ये जानना, मतलब जो नहीं जानते वो तो अनअवेयर एक एक थॉट ले लेके क्या करते जा रहे हैं। और हम ब्राह्मण भी बनते हैं तो समझ में तो आ जाता है कि थॉट कैसे डेस्टिनी बना रहा है, पर फिर भी क्या हर संकल्प श्रेष्ठ बने उसके लिए उतनी अवेयरनेस, उतना पुरुषार्थ कर पाते हैं? तो बाबा हमें कहते हैं ये जो कर्मों की गुह्य गति है ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, है ना। बाबा हमें कहते हैं तुम दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, है ना, तुम दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे। अब आप सोचो कि दुख देना तो हम कितना ईजिली कर लेते हैं, लेकिन उस दुख देने से दुखी होकर मरने की या अंत मते दुर्गति होने की जो सृष्टि बन रही है उसको हम कभी इतना रियलाइज़ नहीं करते, है ना। कई बार ऐसे कहते कहते भी कह देते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है ना, उसके साथ तो बहुत बुरा होगा। तो कितने सारे, है ना, अपनी अपने आप को राइट कह करके कितने सारे दुख देने के इस प्रकार के भी संकल्प, कर्म तो करते ही हैं, बोल तो बोलते ही हैं, संकल्पों में भी कोई कमी नहीं छोड़ते, बहुत प्रकार के दुख का देना हम करते रहते हैं। और आज बाबा ने जो बहुत अति गुह्य गति बताई वो है पैसे से अवस्था का कनेक्शन, है ना। बाबा ने कहा कि पैसे का अवस्था से बहुत कनेक्शन है, अवस्था बिगाड़ता है। जब हमारा धन पाप कर्मों में लगता है तो उससे हमारी अवस्था पर असर आता है। ये जो कनेक्शन है पैसे का और अवस्था का, मुझे याद है बहुत वर्षों पहले जब मुझे इतना ज्ञान समझ नहीं आता था, तब मुझे एक बार भाई ने कहा था कि मानसिक रोगों का कारण होता है पाप का धन। तो मैं उस समय सोचती थी कि क्या ना कुछ भी किसी भी चीज़ से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, है ना, मानसिक रोग हुआ तो पाप का धन। तो मैंने लेकिन इसको बहुत ऑब्जर्व किया, फिर जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा सर्कल एक्सपैंड हुआ, सेवा में आते गए, तो मैंने इसको कोरिलेट करके देखा एंड इट इज़ वेरी करेक्ट। मानसिक रोग का और पैसे का, पाप के धन का बहुत गहरा कनेक्शन। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो पाप का धन है ना, ये जब हमारा धन, या तो हम पाप के धन को अपने भंडारे में लगाते हैं तो भी उससे अवस्था बिगड़ती है। देखो हमने कितना सुंदर एक नियम समझा है, जैसा धन वैसा अन्न और जैसा अन्न वैसा मन। तो धन का मन की स्थिति से कितना गहरा कनेक्शन है ना। तो पाप का धन यदि होता है
अब बाबा ने यहाँ पर भी हमें पाप कर्म को समझना होगा। मैं आपको इसमें एक बस हिंट दे दूंगी, मैं इस बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन क्राइम और पाप कई बार तो सेम होते हैं, कई बार बहुत डिफरेंट होते हैं। क्राइम और पाप सेम नहीं होता। कई बार बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो बाबा हमें समझाता है, वो पाप कर्मों का खाता बनाते हैं, लेकिन वो क्राइम में कवर नहीं होते। और कई बार तो उनको पुण्य में भी गिनती किया जाता है, जैसे किसी को पतित बनाने में धन खर्च करना है ना, विकारों की रास्ते पर चलाने के लिए विवाह कराने को दुनिया में तो क्राइम तो क्या पुण्य का काम समझते हैं, धर्म का काम समझते हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं ये पाप कर्म है। तो पाप कर्मों में जब हमारा धन लगता है तो उससे मनसा की अवस्था पर बहुत गहरा असर होता है। और मैं ये सिर्फ नहीं कहती कि कोई मानसिक रोग ही अवस्था बिगड़ना होते हैं, अगर हमारी बुद्धि बाबा को जान नहीं पा रही, पहचान नहीं पा रही, हमारी दिल हमारी मन श्रेष्ठ कर्मों में नहीं लग रहे, तो इसको भी बिगड़ी हुई मानसिक अवस्था ही कहेंगे, है ना। अगर हमारा मन हमारी स्थिति श्रेष्ठ कर्म बनाने में हमारा साथ नहीं देती तो इसको क्या कहेंगे, बिगड़ी हुई अवस्था कहेंगे ना। हाँ, सारे दिन नींद आती नहीं और क्लास में नींद रुकती नहीं। हाँ, इसको आज ऐसे ये भी कहते हैं ना भाई बहनों को, कहते हैं सारे दिन तो नींद आती नहीं है, क्लास में नींद रुकती नहीं है दीदी, क्लास में तो ऐसी नींद आती है कि बात मत पूछो। हाँ, तो ये सब क्या है, मानसिक अवस्था है। ये अवस्था का कनेक्शन धन से होता है ना, बहुत सारे कदमों से होता है लेकिन धन से भी होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि कई बार हम पाप और क्राइम को इक्वेट कर देते हैं, लेकिन सरकार को जितनी समझ है वो उस हिसाब से लॉ बनाती है, लेकिन ईश्वरीय गवर्नमेंट हमें बताती है कि वास्तव में कौन कौन से कर्म पाप के खाते में जाते हैं और किनका हमें भुगतान करना पड़ता है। तो बाबा हमें कहते हैं जिन कर्मों का मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है उन कर्मों को तुम समझो, है ना। मनसा वाचा कर्मणा पतित पना, ये पाप के खाते में जाता है। और जब तुम्हारा धन अपनी पतित अवस्था या किसी और को पतित बनाने में खर्च होता है, है ना, तो उससे भी क्या होता है, अवस्था बिगड़ती है। जब हमारा धन पाप के खाते में जाता है तो हमारा और ज्ञान योग में दिल नहीं लगता, हमारा पुण्य की कमाई करने में मन नहीं लगता। तो ये सारी बातें होती हैं और बाबा हमें ये बहुत अच्छा समझाते हैं कि कर्म की गुह्य गति का ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है। मैं आज और भी एक बात विचार कर रही थी कि ये जो मन्मथ होती है, ये मन्मथ को अगर हम देखें तो ये इंटरनलाइज्ड परमथ होती है, जो हम दुनिया में सुनते हैं सीखते हैं, अपने माता पिता को करते देखते हैं, अपने मित्र संबंधियों को करते देखते हैं, अब जिस समाज के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं, वो जिस तरह की शिक्षा हमें देता है वही हमारी मन्मथ बन जाती है। मन्मथ कोई अलग से, कोई अपने आप को कोई यूरेकर टाइप विचार नहीं आते हैं, वो सब बाहर से ही हम देखते सुनते हैं। और अगर आप ठीक से ध्यान दें तो आप उसका सोर्स भी ट्रेस कर सकते हैं, यहाँ ये कहाँ से आ रहा है। तो बाबा आज हमें श्रीमत और मन्मथ समझाते हैं। और बाबा, और ये जो मन्मथ है ये बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि हम कोई ऐसे हमें कोई बिठा के पढ़ाता नहीं है। देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बाबा हमें बिठा के पढ़ाता है, ऐसे हमें कोई दुनिया में बिठा के पढ़ाता नहीं है ये करो
ऐसे करो, लेकिन उसको हम देखते हैं और वो देखने में वो जो दृष्टि से हमारी जो अंदर जाता है, जो हम सुन रहे हैं देख रहे हैं वो अंदर जाता है और हमारी अपनी मत उससे बनती चली जाती है और ये बहुत सूक्ष्म है। और हम सारे दिन देख रहे हैं, हम सारे दिन दुनिया को देख रहे हैं, बाहर की ये जो फिल्में हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, न्यूज़ है, सब कुछ देख रहे हैं जो मनमत पर आधारित है, है ना, जो परमत पर आधारित है, जो मनमत बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हम देखते हैं ये सब विकारों की मत है ना। और आप छोटी सी एक बात सोचो, आप किसी को भी देखते हो, किसी पे बहुत अत्याचार हो रहा है, तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, वो भी अत्याचार करना शुरू कर देता है। ठीक है, आप कितने भी, जो भी आप रियल लाइफ कैरेक्टर्स देखो, आप बाहर अपने जो आप न्यूज़ देख रहे हो या कुछ भी देख रहे हो, जो भी आपके सामने दृश्य आता है वो यही सिखाता है कि जब आपके ऊपर बहुत क्रोध होता है तो आप क्रोधी बन जाते हैं, राइट? जो विकार से आपको दुख मिलता है आप उसी विकार का स्वरूप बन जाते हैं, यही हमें सिखाया जाता है ना। और ये इतना सूक्ष्म होता है कि हम रोज़ मुरली सुनते हैं कि चाहे कोई कैसा भी है ना, तुम्हें कैसा बनना है, क्रोध वाले को तुम्हें गुणों की माला पहनानी है, तुम्हें उसको, है ना, उसको उसके कल्याण के लिए उसको शुभ भावना देनी है, ये हम सुन रहे हैं। लेकिन हमारा जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो क्या है, क्रोध जैसे ही हम पे किया जाता है हम भी उस क्रोध को इम्बाइब करके क्रोधी बन रहे हैं। और ये विकारी, विकार का भोगी विकारी बनता है, विकार से कभी किसी को वैराग नहीं आता। विकार ऐसी चीज है जो विकार का भोगी विकारी बनता है, विक्टिम कल का परपेट्रेटर बनता है। ये जो मनुष्य मत है ना, ये बड़ी खतरनाक मत है। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा अनुभव बताती हूँ। मेरे पास एक कन्या आई थी एक बार, उसने मुझे कहा कि मेरा बहुत शोषण हुआ, शारीरिक शोषण बचपन से, है ना, तो घर में माता का ने शरीर छोड़ दिया था, तो पिता ने भी दृष्टि डाली, नौकर ने भी दृष्टि डाली, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो जब उसने ये सारी बातें सुनाई तो थोड़ा ना पुराने वृत्ति से थोड़ा क्या होता है, हम लोग भी इमोशनल हो जाते हैं, तो थोड़ा इमोशनल भी फील हुआ। फिर थोड़े दिन मैंने उसको ना श्रीमत सुनाई कि पवित्र बनना, ना बाबा ने जो हमें सर्व संबंध का रस दिया है उस रस के आधार से अपनी आंतरिक स्थिति को भरपूर रखना, ड्रामा की भित्ति पर अपनी आपको फुल स्टॉप लगाना सिखाना, आत्मा के गुणों शक्तियों को रोज जागृत करना। लेकिन मैंने देखा कि प्रैक्टिकली उसकी आज की जीवन बहुत विकारी है, है कन्या लेकिन सारे दिन विकारों की जीवन है। आजकल तो विवाह ना विवाह का विकार से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इतनी विकारी जीवन। तो मैंने उसको एक दिन ऐसे ही बात हो रही थी तो मैंने उसको बिठा के पूछा, जिस विकार के लिए आपको इतना दुख मिला, बचपन में आप कहते हो कि आपको घृणा हुई, आपके अंदर से एक तुच्छ भावना आई अपने प्रति, आप समझते हो आपकी उन्नति उस विकार के कारण रुक गई, आज उस विकार के प्रति आपको घृणा नहीं है, आपको उस विकारी के प्रति घृणा है, लेकिन उस विकार के प्रति आपको घृणा नहीं है। तो मुझे कहती नहीं, मतलब मैं तो, मैंने कहा नहीं यही है, इसको आप थोड़ा सा सोचो कि पापी तो दोषी नहीं है ना। बाबा हमें कहता है, हम लोग
पापी को तो नफरत करते हैं लेकिन उस पाप को अपना साथी बनाकर चलते हैं। जिस पाप के कारण हमें दुख होता है हम उस पाप से नफरत नहीं करते, उस पाप को तो हम अपने जीवन में धारण करके चलते हैं, है ना। आज दुनिया में कोई ऐसी वारदात हो जाती है तो उस समय पर मनुष्य उस पापी को तो सज़ा दिलाने के लिए बहुत, है ना, कैंडल लाइट मार्च भी करता है और कितना कुछ करता है, लेकिन उस पाप को वो ही मनुष्य उसी दिन जिस दिन कैंडल लाइट मार्च करके आता है ना, उसी पाप का रस वो अपने जीवन में लेता है, उसको उस पाप से नफरत नहीं होती। तो बाबा हमें, देखो, मनुष्य मत कहती है कि तुम विकारी से नफरत करो लेकिन उसी विकार को अपने जीवन में रस का साधन बनाओ, यही कहती है ना मनुष्य मत। और श्रीमत कहती है तुम उस विकारी को तो समझो कि वो भी विकार के वशीभूत है, लेकिन उस विकार को पहचानो कि जो विकार इतना दुख दे सकता है, इतने दुख की सृष्टि रच सकता है, उस विकार से आत्मा को कितनी नफरत होनी चाहिए, और उस विकार का एक रेशा भी अपने जीवन में नहीं आने दो। आज हम लोग एक्ट्स ऑफ लस्ट, एक्ट्स ऑफ एंगर देखते हैं तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। क्रोध में भी मनुष्य जिस तरह के कर्म कर रहा है, आप आज चाहे वो स्मॉल लेवल पे देखो चाहे ग्लोबल लेवल पे देखो, जब हम मनुष्य के कर्म देखते हैं कि वो क्रोध की अग्नि में जलकर क्या कर रहा है। आज बाबा ने कहा ना, देश देश को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हर एक कोई ये कहता है कि ये नहीं होना चाहिए या ये बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन उसी क्रोध को तो हम फिर अपने जीवन में धारण करते हैं ना, है ना। तो ये तो वही बात है कि जो इन्फेक्टेड है उससे नफरत करो लेकिन उस वायरस को अपने ही कल्चर करके उसको बढ़ाओ। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो विकार मनुष्य की सबसे बड़ी, जो मैं समझती हूँ मत है, वो ये कि तुम पापी से नफरत करो, विकारी से नफरत करो, लेकिन विकार से नफरत नहीं करो, पाप से नफरत नहीं करो। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें बेहद का वैराग सिखाता हूँ, तुम्हें पापी को तो तुम्हें समझना है कि वो भी क्या है, परवश है, तो उसको तो तुम्हें शुभ भावना देनी है, क्योंकि अगर शुभ भावना का बल नहीं दिया तो पापी से पाप छूटेगा कैसे, तो उसको तो तुम्हें शक्ति भरनी है, लेकिन तुम्हें उस पाप से इतनी नफरत होनी चाहिए कि तुम अपने जीवन में उस पाप को बिल्कुल भी आने ना दो। तो ये बातें हमें बाबा बहुत अच्छे से समझाते हैं कि श्रीमत और परमत में बहुत अंतर है। और बाबा हमें, मैं आपको एक और अनुभव सुनाती हूँ। कई बार है ना, जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो हमें आजकल तो इतना समझ समझ के वो अवस्था हो गई है कि कोई कितनी भी हृदय विदीर्ण करने वाली बात भी बताता है ना तो समझ में आता है कि देर इज़ मोर टू इट, अभी ये पूरी फिल्म नहीं है ना। अगर आप इसको थोड़ा सा डीप देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। मैं आपको इसमें एक बताती हूँ, एक युगल आए तो उन्होंने, एक ने बताया कि ये किसी दूसरी जगह संबंध रखते हैं तो उस कारण से घर में झगड़ा है, ऐसा है, तो उसको समझाया थोड़ा। जब उसको समझाया तो पता चला कि ये जो आत्मा है दूसरी वाली, है ना, जो उसका युगल है, वो बहुत क्रोधी है, और ये जो आत्मा है ये थोड़ी बोल नहीं पाते, क्रोध तो इनको भी आता है लेकिन ये ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो काम के द्वार में एक्सप्रेस हो रहा है, वो दूसरी तरह से एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन
बात क्या है कि हम एक विकार का उत्पीड़न का जो कॉन्सिक्वेंस, उसका जो बोझ है, वो दूसरे विकार के द्वारा निकालना चाहते हैं ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि हर विकार दुख देगा। आज आप क्रोध नहीं सह पाए तो आप काम का रास्ता ले लेंगे, तो काम में भी क्या होगा फिर आगे, उसमें भी तो वेरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर उसमें भी क्या हुआ, उस आत्मा को और ही गिल्टी फील हुआ, और ही दुख हुआ, और ही भय की सृष्टि बनी, किसी को मालूम पड़ जाए क्या हो जाए, तो ये सारी बातें आती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें मैं जो मत दे रहा हूँ ना, उससे चलो। एक विकार का इलाज दूसरे विकार से मत करो। लेकिन दुनिया में यही चलता है। आज जितने भी आप जितने भी मनुष्य पाप कर्म करते हैं, उसके पीछे अगर आप उनकी मानसिकता को समझने जाएंगे, तो वो यही कहते हैं, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, हमारे साथ बुरा हुआ। लेकिन बाबा हमें कहते हैं, irrespective of तुम्हारे पास्ट, irrespective of तुम्हारा प्रेजेंट, तुम किसी को दुख मत दो। आज बाबा ने पहले ही लाइन में क्या कहा, तुम मीठा बनो बच्चे, तुम किसी को भी दुख मत दो, कभी क्रोध मत करो। ये श्रीमत है, और ये जो श्रीमत है ना, यही हमें इस चक्र से निकालती है। एक विशेष साइकिल है, एक विकार को दूसरे विकार से जस्टिफाई करना एक विशेष साइकिल है ना। जैसे व्यक्ति कहेगा आलस आता है तो मुरली नहीं सुनेंगे, आलस आता है तो अमृत वेला नहीं करेंगे। अरे एक पाप, एक तो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है, अब तुम दूसरा भी पाप बना के उसको और क्या करोगे, और भी बढ़ावा ही दोगे ना। तो बाबा हमें कहते हैं, तुम्हें कहीं तो ब्रेक लगाना पड़ेगा ना, और उसका तुम्हें ज्ञान बल सब कुछ मैं दे रहा हूँ। बाबा हमें रोज श्रीमत दे रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, तुम्हें मीठा बनना, तुम्हें किसी को दुख नहीं देना है, तुम्हें कभी क्रोध नहीं करना, तुम्हें काम विकार का रास्ता नहीं अपनाना, तुम्हें पवित्र बनना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने एक बार, कई बार मैं क्लास में बताती हूँ, एक चित्र देखा था जिसमें कई माचिस की तीलियाँ, एक के साइड में एक लगी हुई, 10 तीली है, तो एक जल रही है तो उससे दूसरे को आग लग रही है, तीसरे को लग रही है, लेकिन एक तीली होती है बीच से निकल जाती है, तो जब वो निकल जाती है तो खुद भी नहीं जलती और दूसरे को भी बचा लेती है। तो बाबा हमें कहते हैं, जैसे आज हर आत्मा दूसरे की वाइब्रेशन, दूसरे की अवस्था, दूसरे का एग्जाम्पल फॉलो कर रही है ना, ऐसे अब तुम मेरी श्रीमत फॉलो करो और वो एग्जाम्पल बनो, वो अवस्था बनाओ, वो वाइब्रेशन बनाओ, जिसको फिर अनेकों फॉलो करेंगे। क्योंकि सिर्फ बात सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, उसके साथ हम एक आत्मा के रूप में वाइब्रेशन भी हैं, हम एक अवस्था भी हैं, और वो सब कुछ एक एग्जाम्पल बनती है। आप विचार करो, अगर आपने कभी भी एक आत्मा का भी कभी एग्जाम्पल सुना है जिसने क्रोध का जवाब प्रेम से दिया है, आप उसको भूलते नहीं। और अगर आपने वो देखा है तो सोचो कि अगर जो क्रोध का क्रोध से उत्तर देना देखा है वो इतना प्रभावित करता है, तो अगर क्रोध का उत्तर प्रेम से किसी ने दिया है और वो आपने देखा है, तो आपके जीवन में एक धारणा बन जाती, जो आज बाबा की मुरली में गुण का दान समझ रहे थे ना। तो जो गुणवान होते हैं वो दूसरे को भी गुणवान ऐसे बना देते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि
अपने जीवन को पवित्र बनाओ। तुमने कितना भी पतितपना देखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा ने कहा ना, अहिल्याएं कुब्जाएं गणिकाएं सबका स्वागत है। कितना भी तुमने पतितपना देखा हो, कोई फर्क नहीं। अभी तुम पवित्रता को धारण करो। कितना भी तुमने जीवन में क्रोध देखा हो, कोई भी अत्याचार देखा हो, तुम अभी मीठा बनो। तुम अभी संतुष्टता के गहनों से सुसज्जित हो जाओ। तुम अभी शक्ति स्वरूप बनो। और बाबा कहते, तुम्हें क्या चाहिए? मैं बापों का बाप, पतियों का पति तुम्हें सवार रहा हूँ, श्रृंगार रहा हूँ, बना रहा हूँ, इतना भी पर्याप्त नहीं है क्या? तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं, अब तुम मनुष्य मत को छोड़ो। मनुष्य मत पाप कराते हैं, और कर्म की गुह्य गति को समझो, क्योंकि इमीडिएटली नहीं पता चलता ना। कर्म की गुह्य गति को बुद्धि से समझ के कर्म करना होता है ना। अपने आपके हॉर्मोन्स नहीं समझेंगे, आपको समझना होगा। अंदर तो बहुत, मन में भी बहुत हलचल होती है, इंद्रियों में भी बहुत हलचल होती है, लेकिन बाबा कहते कर्मों की गुह्य गति को बुद्धि से समझकर चलो, कि अभी जो पाप कर्म हम साधारण समझकर करते चले जा रहे हैं ना, अंत में ये पाप कर्म बहुत, देखो आज भी व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर थोड़ी ढूंढ पाता है कि एक ही त्रासदी के समय पर हर आत्मा का जो दुख का अनुभव है वो अलग अलग क्यों होता है, है ना। लोग कहते हैं कि एक ही त्रासदी है ग्लोबल, आजकल तो पैंडेमिक्स होते हैं ना, तो पैंडेमिक है, ग्लोबल फिनोमेना है, लेकिन हर आत्मा का दुख का अनुभव डिफरेंट होता है। हर आत्मा एक सी दुखी नहीं होती, है ना। हर आत्मा का दुख का अनुभव बहुत डिफरेंट होता है। तो बाबा हमें कहते हैं, इतना समझ कर चलो कि ये जो पाप और पुण्य का खाता आज बाबा हमें समझा रहे हैं ना, उस पाप और पुण्य की गति को समझ कर चलेंगे तो अंत मते हमें समझ में आएगा कि क्या फर्क है, क्या फर्क है। आजकल आप देखना, छोटे छोटे कई चीज़ें होती है, जैसे कहेंगे ये खाना चाहिए रोज़, है ना, ये गिलोय है, आमला है, कितनी सारी चीज़ें कहेंगे ये खाना चाहिए, खाना चाहिए। तो एक बहन ना ऐसे मुझे कहती कि मैंने ये खाना शुरू किया, पर दीदी फ़र्क कुछ लगता नहीं है ऐसे, है ना, 10 दिन हो गए पर कुछ ऐसा फ़र्क लगता नहीं है, वो ऐसे ही लगता है। तो मैंने कहा फ़र्क क्या होगा, हाँ कोई फ़र्क क्या होगा, कोई आपको दिखाई थोड़ी देगा। तो कहते मतलब जैसे कुछ फील तो होना चाहिए ना, मैंने क्या फील होगा, जब जब बीमार पड़ते हैं रोज़ रोज़ तब भी वैसे फील थोड़ी होता है कि हमारे अंदर बीमार होने की कैपेसिटी है, है ना। तो ये कितनी गुह्य बातें हैं कि आपको वैसे कोई फीलिंग में नहीं आता, कोई वैसे पता नहीं चलेगा, और वैसे भी आत्मा ने जो संस्कार बनाया होगा उस हिसाब से कड़वी चीज़ पियेंगे तो कड़वी लगेगी, लेकिन स्वस्थ है तो फील नहीं होगा ना, क्योंकि वो संस्कार तो बनाया नहीं है। तो ऐसे ही जब हम विकारों का टेस्ट छोड़ते हैं, विकारों को अपने जीवन से निकालते हैं, तो कोई फीलिंग थोड़ी आती है, गुड फीलिंग कि हम निर्विकारी बन रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। उस समय तो आत्मा अपने विकारों से युद्ध ही करती है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि विकारों से युद्ध करते हुए भी हमें ये समझना होगा कि ये जो पाप कर्म और पुण्य कर्म की गुह्य गति है, उसके आधार से हम आत्मा को कल समझ में आने वाला है कि हमारी जो रूहानी शक्ति है वो बढ़ रही है ना। तो बाबा हमें ये सारी बातें समझाते हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं कि पाप करने वाले को धन देते हैं तो धन भी पाप में लगेगा। कई बार मनुष्य ये बात कहता है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत निस्वार्थ सेवा करते हैं, और जैसे कोई चैलेंज करता है तो कहते हैं बताओ उनका तो कोई है ही नहीं तो किसके लिए कमाते हैं, है ना। तो कितनी सिंपल लॉजिक है, कितना सिंपल लॉजिक है।
जिसका कोई नहीं वो पाप करेगा किसके लिए? ये बहुत सिंपल लॉजिक है, लेकिन जिसका बहुत सारा मैं है, जिसका बहुत सारा मेरा है ना, अब मेरापन तो दिखाई दे रहा है कि मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैं का पता नहीं, लेकिन अगर मैंपन पे भी काम कर लिया है, मेरेपन पर भी कर लिया है, तो फिर नेचुरल है कि उस आत्मा के पास जो भी आएगा वो विश्व कल्याण में ही लगाएंगे ना। लेकिन जिस आत्मा के का मेरापन है ना, वो आत्मा चाहेगी भी तो अपना सर्वस्व विश्व कल्याण में नहीं लगा सकता है ना, क्योंकि उसके अंदर सदा ये रहेगा कि ये मेरा जो है इसका क्या होगा, या वो मेरा जो है उसका क्या होगा ना। इसीलिए तो हम देखते हैं कई बार साधु संत भी होते हैं, लेकिन अगर बाल बच्चे हैं, सब कुछ है, तो अपनी जो सारी जो कमान है वो बाद में किसको देके चले जाते हैं? अपने ही बच्चे को। मैंने तो एक साधु को देखा, बहुत बड़ा उनका आश्रम है, तो बच्चा नहीं था तो भतीजे को दे दिया। हाँ, लेकिन क्या तुम्हारा भतीजा ही था सबसे बड़ा तपस्वी वहाँ पे? तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो प्रथा है ना, ये मैंपन मेरापन वाला कभी भी श्रेष्ठ कर्मों में सर्वस्व नहीं लगा सकता। उसके अंदर संचय वृत्ति भी होगी, और उसके अंदर ये भी होगा कि हम छोड़ कर जाएं आगे आने वालों को। और आप विचार करो कि शिव बाबा तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने भी, आप देखो जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, तो उस समय पर ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी भी और बहू भी दोनों यज्ञ में थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया जीते जी कि ये मेरे बाद है ना संभालेंगे या कुछ। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो शिव बाबा अवतरित हुए है ना दादी के तन में, और शिव बाबा ने ही दीदी और दादी को चुना है ना, जिनका कोई उससे कोई लिंक नहीं था संबंध में, लेकिन दीदी दादी का चुनाव भी शिव बाबा ने ही किया, और उन्होंने ही सारी जो संभाल की यज्ञ की उसके बाद, और ये निर्णय भी किसी मनुष्य ने नहीं लिया। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना जहाँ पर ये बात समझ में आती, जो आत्मा अपने काम विकार को त्यजती है, जो पवित्र जीवन को चुनती है, उसी आत्मा को इतना, उस आत्मा के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो निमित्त बनकर किसी का दान श्रेष्ठ कार्य में लगा सके। जिस आत्मा ने अपने मैंपन मेरेपन पर काम नहीं किया है, वो चाहेंगे भी, मनसा में भी कोई ऐसी बात नहीं है, मनसा में भी होगा कि हम लगाएं, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों में लगेगा नहीं, है ना। जैसे मैंने आपको कहा ना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जिसका कोई नहीं वो किसके लिए रखेगा, जिसका है और वो छूट नहीं सकता उस संकल्प से, है ना, पॉसिबल नहीं, अनटिल अनलेस वो ऐसा पुरुषार्थ करे जैसा ब्रह्मा बाबा ने किया। उतना पुरुषार्थ तो आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि आज के समय में है ना, इम्पॉसिबल तो नहीं है पर मुश्किल अवश्य है ना। तो सेवाधारी बनना अलग बात है, पर निमित्त बनकर निस्वार्थ सेवा के अर्थ है ना, दान किए हुए धन को सफल कर देना, ये अलग बात है। तो बाबा हमें ये सारी बातें समझाते हैं, इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि अभी मैं देख रही थी कि जब संडे की भी क्लास थी, तो किसी का ये प्रश्न भी आया था कि ऐसा बाबा क्यों कहते हैं कि सिर्फ है ना यहीं पर ही दान करो या यहीं पर ही सफल करो। तो वो उसका उत्तर यही है, क्योंकि जहाँ पवित्रता नहीं है वहाँ पाप कर्म नहीं होंगे, ऐसा हो नहीं सकता, और जहाँ पापात्मा को दान होगा वो सफल नहीं हो सकता, और तो कहीं नहीं है ना जो पवित्रता की धारणा कोई करता या मेहनत करता हो। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि इसका बहुत गुह्य कनेक्शन है कर्म की गति से। और बाबा हमें आज वरदान में कहते हैं कि तुम कोई भी कर्म कर रहे हो, साधारण से साधारण कर्म, लेकिन तुम्हारी जो स्थिति है उसमें बहुत ऊंची होनी चाहिए,
है ना। और बाबा ने बहुत सुंदर उसमें एक उपमा दी कि जैसे हीरा कितनी भी धूल के नीचे छुपा हुआ होगा तो भी चमकना तो नहीं छोड़ेगा ना, उसकी चमक तो दिखाई देगी। ऐसे ही आत्मा की जो अवस्था है वो साधारण कर्म में भी उसकी झलक और फलक अवश्य दिखाई देगी, है ना। तो ये बाबा ने आज हमें मुरली में सुनाया। और साकार बाबा के समय की एक बात है कि एक बार साकार बाबा चावल साफ़ कर रहे थे या गेहूँ साफ़ कर रहे थे, मुझे नहीं पता, कुछ अन्न साफ़ कर रहे थे। तो किसी ने कहा कि बाबा आपसे कोई मिलने आए हैं तो आप उठो और चलो। तो बाबा ने कहा उनको यहीं भेज दो। तो जो भी दादी थे उनको आया कि अब मैंने तो उनको ये कहा इनके तन में भगवान आते हैं, अब वो आकर देखेंगे ये तो चावल साफ़ कर रहे हैं तो क्या रह जाएगा, ऐसे इम्प्रेशन थोड़ी बनता है। तो उन्होंने बाबा को कहा बाबा आप उठो ना, चलो ना, ये तो कोई भी कर लेगा, आप उठो चलो, उनको भी तो कुछ अनुभव होना चाहिए। तो बाबा ने कहा क्यों, ऐसे अनुभव नहीं होगा क्या उनको, उनको यहीं भेजो। तो फिर वो बहन गई और उस भाई को भेजा, तो कोई बड़ा ऑफिसर था। तो जैसे ही बाबा ने उसको देखा उसको विष्णु का साक्षात्कार हुआ और उसको ऐसे अनुभव हुआ कि अन्नदाता अन्न के साथ मैंने देखा ना। तो ये जो अनुभव है ये साकार जीवन का है कि बाबा, ऐसा भी नहीं है कि बाबा हमेशा कोशिश करके ऐसे मिलते थे है ना। मैं आपको इसके और एक ऑपोजिट बात भी बताती हूँ। एक बार किसी ने आकर बाबा को कहा कि बाबा कोई मिलने आया है, किसने, रमेश भाई साहब ने कहा। तो बाबा उठे और बाबा ने फटाफट कंघी की। तो रमेश भाई साहब कहते बाबा आप तो बहुत बॉडी कॉन्शियस हो, है ना, जैसे ही आपको पता चल गया कि कोई मिलने आया है तो आप तो अपना चेहरा ठीक करने लगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जब वो मुझे देखे तो उसको ऐसा तो लगना चाहिए ना कि पॉसिबली ये भगवान का रथ है। अब मैं ऐसे रहूं कि उसको मुझे देख के ही संकल्प चल जाए कि ऐसा थोड़ी होता है भगवान का रथ है ना। तो ऐसा भी हमें स्थिति नहीं बनानी। तो बाबा हमें यही बात समझाते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई पर्पसफुली बिखरे बालों के साथ, है ना, कपड़े ठीक नहीं हैं, ऐसा हमें किसी से मिलने जाना है, ऐसा भी नहीं है। इसको समझना, ये बड़ी सूक्ष्म बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टाइम है ना, लेकिन कोई कहे कि आपसे अभी मिलने वाला, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही मिल लेंगे, इसमें क्या, नहीं, अगर टाइम है तो साफ सुथरे कपड़े चेंज करो, टाइम में आयरन करके अच्छे से मिलो। लेकिन अगर कोई अचानक आ जाता है तो उसमें भी हमारी अवस्था इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसको उससे भी प्रेरणा मिले, उससे भी प्रेरणा मिले। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक हमारी बहन आती थी तो वो किसी ऑफिस में जॉब करती थी, तो कुछ दिनों तक कोर्स में आती रही। उसके बाद मुझे एक दिन कहती है मुझे एक बात बताइए, आपके यहाँ ये कंघी करने की मनाही है क्या। तो मैंने अपने बाल देखे, मैंने तो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मैं तो कंघी करके ही बैठती हूँ। तो मैंने कहा नहीं तो ऐसा तो नहीं है, आपने मुझे कभी बिना कंघी किए देखा। कहती नहीं नहीं वही तो मैं इतने दिन से सोच रही हूँ कि आप तो अच्छे से कंघी करके पिन विन मार के बैठती हो। और मेरे ऑफिस में एक लेडी है वो बीकेस जाती हैं और वो ऐसे इतने बाल ऐसे बिखरे हुए आती हैं और इतने गंदे कपड़े पहन के आती हैं, और उसको मैंने एक दिन कहा तो कहती है नहीं सिंप्लिसिटी में रहना चाहिए, हमें भगवान सिखाता है तो हमें क्या ज़रूरत है। तो मैंने सोचा शायद इनको कोई मनाही होती होगी,
तो लेकिन मैंने यहाँ दे आए तो ऐसा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न पूछा। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो उसने समझा नहीं होगा ठीक से। तो बाबा हमें कहते हैं कि जहाँ तुम्हारे पास अवसर है, अब ऑफिस जा रहे हो तो तैयार तो होके ही जा रहे हो ना, तो वहाँ पे साफ स्वच्छ है ना, और मीडियम, बाबा ने हमें मिडिल पाथ दिया है, ना ऐसा मैला की आँख खींचे, ना ऐसा चमकीला की आँख खींचे, है ना, साफ स्वच्छ और मीडियम हमारा रहना सहना खाना पीना, है ना, ऐसा भी नहीं कि किसी की ईर्ष्या खींचे हम, ऐसा भी नहीं कि किसी का घृणा भाव आए, ऐसा हमें रहना है। और बाकी जब हम, क्योंकि सेवाओं में रहते हैं, कार्य में रहते हैं, तो साधारण से साधारण कार्य के अंदर भी स्थिति इतनी ऊंची हो कि कोई उस समय हमें देख ले तो उस समय उसको ऐसा लगे कि हमने किसी उच्च हस्ती को देखा, उनको हमारी अवस्था से, वाइब्रेशन से ऐसा अनुभव हो। तो बाबा हमें ये बात बताते हैं, और दोनों ही तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। मुझे याद है एक बार मैं एक डिग्निटरी से मिलने जा रही थी, उनको इनविटेशन देने, तो क्या हुआ कि बारिश के दिन थे और मेट्रो स्टेशन तक जाते जाते ही किसी ने छींटे लगा दिए साड़ी पे। अब वापस आए तो टाइम बीत जाएगा, तो टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट पे तो टाइम से पहुंचना है, और अगर ऐसे ही चले जाए तो फिर कैसा लगे। तो उस समय तो टचिंग से ही काम करना होता है, तो मैंने सोचा कि चलो मुझे नहीं सोचना है, अभी अभी तो जाना ही है ना, क्योंकि वापस आने का टाइम नहीं है। तो मैंने अपने मन को निश्चिंत किया, अपनी बुद्धि से उस दाग को निकाला और मैं चली गई। और वो पूरी मीटिंग हुई, वो आत्मा आई भी प्रोग्राम में, सब कुछ हुआ, और उसने मेरी साड़ी को नहीं देखा पूरे टाइम, इतना जो 1-1.5 घंटे का समय था उसको नहीं दिखाई दिया। ये मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव है। और मैं भी जब वहाँ पर थी मैं भूल गई थी कि देर इज़ सम इशू, और जब मैं वापस आई तो मुझे ये वंडर लगा कि कैसे जो बात आप बुद्धि में नहीं रखते, आपने अपनी स्थिति को अटेंशन दिया है, तो वो भी आपकी स्थिति को ही अनुभव कर रहे हैं, कोई दूसरी चीज़ अनुभव नहीं कर रहे, है ना। तो ये भी आज बाबा हमें बतलाते हैं। और एक बात जो आज मुझे मुरली में बहुत अच्छी लगी, बाबा कहते हैं सब अपने लिए राय लें, है ना, बाबा ने कहा कि सब अपने लिए राय लें। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम लोग जब बहुत समय तक ज्ञान सुनाते रहते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि कई बच्चे वहीं अटके रहते हैं, पहली दूसरी सीढ़ी पे। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में ये बात देखती हूँ, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, जिनको हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कहते हैं, कि अगर ऐसा होता है तो कैसा करें, अगर ये बात है तो कैसे करें, ये व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको उसको क्या दंड मिलेगा, उसका क्या कर्म बन रहा है। ये सारे कर्म विस्तार के प्रश्न होते हैं, ये सारे विस्तार के प्रश्न। अभी पिछली बार भाई ने 3-4 बार कहा ना क्वेश्चन आंसर में, ये देह अभिमान का प्रश्न है, ये देह अभिमान का प्रश्न है। ये देह अभिमान के प्रश्न क्या होते हैं? देह अभिमान के प्रश्न माना जिस प्रश्न से आपकी स्वउन्नति का कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ वो राइट रॉन्ग जान के दूसरे को अपने मन में छोटा बनाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अगर उसको छोटा सिद्ध भी कर देंगे तो भी आपका कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो बाबा हमें कहते हैं कि मुरली तुम्हारे लिए है, जो भी ज्ञान मिल रहा है वो तुम्हारे लिए है, तुम्हें किसी पे भी उस ज्ञान को अप्लाई नहीं करना, क्योंकि अगर तुम किसी को रॉन्ग कहोगे
तो तुम अपने रॉन्ग को राइट कहने की कोशिश कर रहे हो। हम दूसरे को रॉन्ग क्यों कहना चाहते हैं? ताकि उसके उस कर्म के संदर्भ में जो हम रॉन्ग कर रहे हैं उसको हम राइट कर सकें। दैट इज़ द ओनली रीज़न। तो हमें किसी के लिए मुरली नहीं सुननी है। मुरली में कोई भी बात आती है उसमें मुझे उसको मुझे किसी पे भी लागू नहीं करना, ठीक है? अपने लिए सुनना है, अपने कर्मों को ठीक करना है और अपने कर्मों की गुह्य गति को समझकर आज हर कर्म को चेक और चेंज करना है। और कर्म सिर्फ वो नहीं होते कि विकर्म नहीं करना है, लेकिन जिस प्रकार बाबा ने हमें कर्म की गुह्य गति में ये समझाया है कि छोटे छोटे पाप कितनी बड़ी कर्म की गति बनाते हैं, ऐसे ही बाबा ने हमें ये भी समझाया है छोटे छोटे श्रीमत के कदम कैसे भाग्य बनाते हैं। बाबा ने हमें मुरली में कहा है ये ज्ञान रतन कल हीरे जवाहरात बन जाएंगे। कभी सोचते हो ये है कर्म की गुह्य गति। एक एक ज्ञान रतन जो तुम अभी धारण कर रहे हो ना, उतने हीरे मोती तुम्हारे महलों में सजेंगे, तुम्हारे श्रृंगार में लगेंगे, वो तुम्हारी कर्म की गुह्य गति बन रही है। जो बाबा कहता है एक कदम बढ़ाओ पदम गुणा पाओ, ये कर्म की गुह्य गति है। जैसे हम एक पाप को नहीं जान पाते ना कि ये पाप इतनी बड़ी सृष्टि बनाता है, कई बार हम बाबा के एक एक कदम को भी नहीं पहचान पाते कि श्रीमत पर चला हुआ एक कदम इतना भाग्य बनाता है। एक भट्टी से इतने विकर्म विनाश होते हैं। निरंतर याद, निरंतर सेवा और रेगुलर पढ़ाई है ना। तो बाबा ने मुरली में भी सुना रही थी मैं कि जैसे कोई भी चीज़ आप चढ़ाते हो है ना, कुकर पर या पतीले में गैस पर, आप उसको बार बार बंद करो बार बार चलो, 10 साल में भी नहीं पकने वाले हो। लेकिन वही चीज़ निरंतर होती है तो उसमें कितना, एक घंटे में पूरा पक जाता है। तो बाबा ऐसे ही हमें बताते हैं कि ये जो याद है, पवित्रता है, सेवा है, पढ़ाई है, जब ये रेगुलर और निरंतर होती है तब इससे कितने कर्मों की गुह्य गति एसोसिएटेड है कि ये तुम्हें आदि से राजाई का पद दिला सकती है। लेकिन जैसे उसका भी हमें ज्ञान से चलना पड़ता है ना, ऐसे ही इसका भी ज्ञान समझकर चलना पड़ता है। क्योंकि कई बार व्यक्ति सोचता है एक ही तो मिस हुआ है ना। कहते हैं दीदी अमृत वेला रोज़ तो करते हैं, बस महीने में 5 बार मिस होता है। 5 बार मिस नहीं होता, आप 5 बार रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आपने लास्ट टाइम स्टार्ट किया ना, जहाँ निरंतर है वहीं तक आप हैं, है ना। तो इसको समझते नहीं है, ये भी एक कर्म की गुह्य गति है। आप लोग क्यूमुलेटिव टोटल जानते हैं ना, क्यूमुलेटिव टोटल और एरिथमेटिक टोटल में फर्क होता है। तो पुण्य कर्म भी क्यूमुलेटिव में चलता है और जैसे ही आप उसको ब्रेक कर देते हैं वो पीछे वाला कदम हो जाता है। तो बाबा हमें इतनी सारी गुह्य बातें समझाते हैं, लेकिन फिर है ना, आप सोचो कि इतना समझा कर है ना, भगवान से पढ़कर, त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ज्ञान सागर से पढ़कर भी यदि हम भाग्य ना बना सके तो फिर क्या मुँह दिखाएंगे हम। तो इसीलिए ये जो भट्टी का अभी जो आज का ये होगा, भोग लगेगा, सब होगा, तो इतना प्रण करके जाना कि अभी ये निरंतर चले और इतना आप एक एक कर्म पर अटेंशन दे के कर सके। बाबा ने जो हमें समझ दी है उस आधार से पाप और पुण्य दोनों की गुह्य गति को समझकर वाइज बनकर चूज कर कर्म करो, ठीक है। ओम शांति।